मोईजी ने डुबोया है तो फायदे के लिए ही डुबोया होगा। वीर जी, फायदे इस प्रकार हैं। दरअसल जीडीपी का गिरना डोभाल, मोदी और निर्मला ताई का एक मास्टर प्लान है, जिसमें चीन बुरी तरह फंस गया है। डोभाल जी के मास्टर प्लान, मोदी जी की डेयरिंग और निर्मला ताई के इकोनॉमिक्स के स्किल्स के आगे ड्रैगन की चालाकी ढेर हो गई है। एक गिरती हुई इकोनॉमी और बर्बाद होते हुए देश पर कोई क्यों कब्जा करना चाहेगा? बस यही है मास्टर प्लान। जीडीपी जितना नीचे गिरेगी, चीन लद्दाख से उतना दूर भागेगा। और भी बहुत से फायदे हैं। जब इकोनॉमी का बट्टा बैठेगा तो बहुत से लोगों की नौकरी जाएगी, और बहुत से लोगों की नौकरी जा भी चुकी है। जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे और समोसे, कचौड़ी, चाय के बिजनेस में कदम रखकर एप्पल, गूगल, सैमसंग को टक्कर देंगे और मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। जीडीपी गिरने से गरीब और गरीबी दोनों खत्म हो जाएंगे, कोई भी गरीब नहीं बचेगा। जीडीपी को उठाने के लिए मोदी जी को अपने 8,458 करोड़ वाले प्लेन में विदेश यात्राएं करनी पड़ेंगी। फिर हमें उनका हाउडी मोदी, केमचो मोदी, चुलबुल मोदी, चा माइला मोदी प्रोग्राम देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मोदी जी पर विश्वास बनाए रखिए, हर काम देश हित में हो रहा है। 18-18 घंटे, जरूरत के हिसाब से काम की अवधि 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल अभी 18 घंटे काम का मजा लीजिए। Denied. देखो भाई लोगों, पॉजिटिव रहो, अभी तो अमित जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर उसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल देखना है। तो बोलो मित्रों, हर हर मोई, घर घर मोई।